हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है कलर विज़न के ऊपर। ठीक है, कलर विज़न के अपन नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कलर विज़न की। और यार टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हैं यार पीवी से पेपर अगर सॉल्व कराता हूँ तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपको मेरे नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, कलर विज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, एक दो साल में रिपीट होता रहता है, 5 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, कलर विज़न पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन एंड एप्रिप्रिएशन। ठीक है, एप्रिशिएशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करना और एप्रिशिएट करना, पहचानना कलर को। ठीक है, डिपेंड अपॉन दी एबिलिटी ऑफ द रिसेप्टर इन दी रेटिना। और वो एबिलिटी किसके पास होती है? रिसेप्टर्स के पास, जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ह्यूमन आइज रिकॉग्नाइज अबाउट दी 150 डिफरेंट कलर्स। मतलब जो ह्यूमन आइज होती है वो कम से कम 150 डिफरेंट कलर को पहचान सकती है। ठीक, विजुअल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो यार विजुअल स्पेक्ट्रा में क्या सीरीज ऑफ कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या होती है, वाइट लाइट होती है, अपन प्रिज्म से डालते हैं तो अपने को एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है जो सिर्फ अपने को दिखता है। ठीक है, अपने को अपन आँख से देख सकते हैं। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रा। ठीक है, आप पहले बहुत पढ़ के आए होंगे। ठीक है, बिब गियोर नाम से। ठीक है, क्योंकि बी से होता है वॉयलेट, ठीक है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, एक हो गया बिब गियोर। ठीक है, जो कि आप किस में आता है, विजुअल स्पेक्ट्रा में। ठीक है, इसके लिए आपने देखा भी होगा जब आप 11th 12th क्लास में होंगे तो एक प्रिज्म होता था, प्रिज्म से वाइट लाइट जाती थी, वाइट लाइट जाके क्या कर जाती थी, स्प्लिट कर जाती थी। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, तो जो वॉयलेट कलर होता है तो वॉयलेट कलर उस स्पेक्ट्रा के टॉप पे दिखता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी होती है क्या, हाई। ठीक है, और वेव लेंथ होती है काफ़ी कम, तो इस वजह से जो उसका डेविएशन देखने को मिलता है दूसरे मीडियम में वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, अगर जो रेड कलर है जो अपने को सबसे लास्ट में देखने को मिलता है स्पेक्ट्रा में, उसकी वेव लेंथ होती है ज़्यादा, बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है। जब इंटेंसिटी कम है, वेव लेंथ ज़्यादा, और वेव लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पावर होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव पावर उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कि ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, तो इसलिए वो अब ज़्यादा रिफ्रैक्ट डेविएट करके नीचे दिखता है। ठीक है, और वॉयलेट ऊपर दिखता है। ठीक, आगे बात करते हैं, लाइट रेज लार्जर देन दी रेड कलर्स। ठीक है, मतलब कि जो वेव लाइट की जो रेज हैं जो बड़ी हैं रेड कलर से, उनको बोलते हैं इंफ्रा रेड रेज। ठीक है, और जो शॉर्टर रहती हैं वॉयलेट से, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेज। ठीक है, आपने 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ी होगी यार ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर था। ठीक है, तो उसमें क्या मेनली रहता है, अगर पूरा स्पेक्ट्रा देखे तो एक अलग अलग आता है, इंफ्रा रेड रे, विजुअल रे, ठीक है, अल्ट्रा वॉयलेट रे, ये सारी की सारी, एक्स रे, गामा रेज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक अलग से चलता है। ठीक, सबकी इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी होती है और वेवलेंथ होती है सब अलग अलग होती है, बट यहाँ पे अपन को मेनली डिस्कशन किसका करना है, विजुअल स्पेक्ट्रा कर लिया। ठीक, अब एक फिनोमेना आता है, कौन सा, परकिंजी फिनोमेना। ठीक है, तो परकिंजी फिनोमेना क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रा व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इज चेंज। मतलब कि देखो, जो ब्राइट पार्ट रहता है स्पेक्ट्रा का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है अगर जो अपने इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइट वगैरह, अगर उसकी इंटेंसिटी चेंज कर दी जाती। ठीक, तो ये क्यों बोलते हैं, परकिंजी फिनोमेना बोल रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू मैक्सिमल स्टिमुलेशन ऑफ द कॉन्स बाय द येल्लो, ये किस वजह से देखने को मिलता है शिफ्टिंग, क्यों, क्योंकि जो अपनी अपने क्या कॉन सेल्स होते हैं। ठीक, तो कॉन सेल्स जो मैक्सिमम स्टिमुलेशन देखने को मिलता है वो येल्लो कलर से देखने को मिलता है, और जो अपने कौन से रॉड सेल्स होते हैं तो उनका जो मैक्सिमम स्टिमुलेशन होता है वो ग्रीन कलर से आता है। ठीक, इफ कलर एट दी हाई इल्यूमिनेशन, ठीक है, जो कलर है वहां पे अगर हाई इल्यूमिनेशन कर दिया, ठीक है, तो ब्राइट पार्ट इज येल्लो, तो वहां पे क्या जो ब्राइट पार्ट होगा वो येल्लो होगा। ठीक है, ब्राइट पार्ट क्या हो जाएगा, येल्लो, और जो शिफ्टिंग हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर मान के चलो कि शाम का टाइम हो रहा है, सूरज ढल रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, लाइट कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी थी वो डिक्रीज कर गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कलर ऑफ द स्पेक्ट्रा का फेड हो जाते हैं, और जो ब्राइट पार्ट मेनली दिखता है स्पेक्ट्रा का वो ग्रीन कलर दिखता है। ठीक है, तो इस वजह जो शिफ्टिंग देखने को मिलती है वो अपने को राइट साइड शिफ्टिंग देखने को मिलती है। ठीक, तो आप ऐसे भी समझिए कि देखो, जो मैक्सिमम स्टिमुलेशन देखने को मिल रहा था अपने के लिए किसके लिए, कॉन्स के लिए, वो येल्लो कलर से मिल रहा है, और आपको बताया कि दिन में क्या होता है, फोटोपिक विजन। ठीक है, जो अपन मेनली लाइट के थ्रू देखते हैं तो वो अपना कोन करवाते हैं। ठीक है, तो कोन किससे स्टिमुलेट हो रहे थे, येल्लो कलर से। ठीक है, तो वहां पे जो ब्राइट पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, येल्लो। ठीक है, लेकिन जैसी इंटेंसिटी कम होती है, शाम का टाइम होता है, तो उस टाइम पे अपने जो अपने क्या रॉड सेल्स होते हैं वो डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं, और डिम लाइट में आप मेनली वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट किस कलर से होते हैं, ग्रीन कलर से होते हैं रॉड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्राइटेस्ट पार्ट जो पार्ट होता है वो रहता है ग्रीन कलर का। ठीक है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी अगर हम कम कर दें इल्यूमिनेशन की तो। ठीक है,
यहाँ पे आप जनरली एक डायग्राम देख लीजिए, क्या रहता है यहाँ पे देखो, परकिंजी फिनोमेना में कि ऊपर क्या है कोन्स और नीचे क्या है रॉड, ठीक है। और जो कोन होते हैं उसकी क्या रहती है येल्लो कलर, ठीक है, और जो रॉड्स रहते हैं उसका क्या रहता है ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जनरली आप यहाँ पे देखिए तो ये तो वेव लेंथ है, ठीक है, लेमडा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो कॉन है, ठीक है, तो कॉन है तो कॉन का स्टिमुलेशन यहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम, ठीक है। और लेकिन जो अपनी रॉड्स हैं तो रॉड्स की मैक्सिमम सेंसिटिविटी यहाँ पे आ रही, मतलब कि यहाँ पे कुछ वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है, रॉड्स के लिए वेवलेंथ कम हो गई, लेकिन कॉन्स के लिए क्या वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे। और आप एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कि जो अपना येल्लो है, ठीक है, तो येल्लो कहाँ पे है नीचे और ऊपर क्या है ग्रीन, तो जो ग्रीन होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन नीचे वाला है, ठीक है, तो ग्रीन की वेवलेंथ कम है, और यहाँ पे जो येल्लो है, येल्लो की वेवलेंथ आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है। तो येल्लो की वेवलेंथ के लिए आप यहाँ देख रहे होगे कोन्स के लिए कि शिफ्टिंग इस साइड देखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड। और जो अपने रॉड हैं ग्रीन के लिए उसकी शिफ्टिंग आपको इस साइड देखने को मिल रही होगी, मतलब राइट साइड शिफ्ट, ठीक है। तो यही ये फिनोमेना समझाना चाह रहा था। आगे बात करेंगे अपन किसकी, प्राइमरी कलर्स की। प्राइमरी कलर्स तीन होते हैं मेनली, ठीक है, तो विच वैन दी कम्बाइंस टुगेदर प्रोड्यूस वाइट कलर। तो जो अपने प्राइमरी कलर होते हैं उसमें आता है पहले रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। आपका भी ट्रेन से तो गए होगे, ठीक है, तो ट्रेन में आपने क्या क्या चीज़ देखी है मेनली, ट्रेन में आपको कौन कौन सा रेड कलर देखने को मिल जाता है, ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है, बट ब्लू कलर नहीं होता, वहाँ पे येलो कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जनरली याद कर सकते हो, ठीक है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ठीक है। तो तीन कलर क्या होते हैं अपने प्राइमरी कलर। अगर इन कलरों को अपन इक्वल प्रोपोर्शनल, इक्वल इंटेंसिटी अगर बोल सकते हैं अपन, इक्वल इल्यूमिनेशन के हिसाब से इक्वल प्रोपोर्शनल में अगर इनको ऐड करें या कंबाइन करें तो वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, द पेयर ऑफ टू कलर्स विच प्रोड्यूस वाइट, मतलब कि दो कलर जो कि व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर सकें, मिक्स या कंबाइन इन दी प्रॉपर, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शनल में अगर उनको मिक्स किया जाए तो, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, रेड और ग्रीन इस ब्लू को अगर मिलाएंगे तो व्हाइट कलर बनेगा, ऑरेंज एंड सियान ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपना वाइट, येल्लो, इंडिगो ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन येल्लो और पर्पल और ग्रीन, ठीक है, इनको मिलाने पर क्या व्हाइट कलर अपीयरेंस आना चाहिए, ठीक, व्हाइट कलर प्रोड्यूस होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन किसकी, थ्योरीज ऑफ दी कलर विजन। कलर विजन की थ्योरीज की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द परसेप्शन ऑफ द कलर बाय आईज, मतलब कि आई है वो कलर को कैसे पहचानती है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं कलर विजन की, ठीक है। पहली थ्योरी होती है कि आपने थॉमस यंग ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेटिना हैज थ्री टाइप्स ऑफ कोन, जो रेटिना होता है ह्यूमन आइज का उसके पास तीन टाइप्स के कॉर्न सेल होते हैं, ठीक है, थीके? तो ईच वन पोजेस इट्स ऑन फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस, और हर एक के पास अपना एक अलग से फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो हर एक के पास अपना अलग अलग फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस है, तो तीन टाइप कोन अपना अलग अलग कलर का कलर को रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो ईच कोन गिव्स द रिस्पॉन्स टू अ वन कलर, ठीक है, तीन कोन है तो एक देगा रेड को, एक देगा ग्रीन को और एक देगा ब्लू को, ठीक है। फॉर द सेंसेशन ऑफ द वाइट कलर, अगर वाइट कलर का सेंसेशन करना है तो जो तीन टाइप की अपने को मेनली देखने को मिली है कौन से हैं, तो उनके पास तीन फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस अलग से हैं, बट लेकिन जो लाइट आ रही है वो लाइट कैसी होनी चाहिए अपनी, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शनल में, कि तीनों कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट कर पाए, तब जाके अपने को वाइट कलर का अपियरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ऊपर क्या है रेड सर्कल, नीचे क्या है ब्लू और ये है ग्रीन, ठीक है। अगर मान चलो कि रेड और अपन ग्रीन को मिलाते हैं तो येल्लो बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अपन ब्लू और ग्रीन को मिला रहे हैं तो स्काई ब्लू, और रेड और ब्लू को मिला रहे हैं तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, अपने को पिंक कलर। लेकिन जब तीनों चीज़ें मिल रही तो आपको यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, मतलब जब इक्वल प्रोपोर्शनल में तीनों कलर मिलेंगे तब जाके वाइट कलर दिखेगा, ठीक। ये अपनी ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी बोल रही, ठीक है, थॉमस यंग वाली। अब बात करते हैं सेकेंड थ्योरी, हेल्महोल्ट्ज थ्योरी, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी क्या बताती है कि इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, सेंसिटिव फिलामेंट्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व को किसकी जगह कर दिया, यहाँ पे कॉर्न सेल्स की जगह, ठीक है। तो गिव रिस्पॉन्स टू दी सिलेक्टिव टू वन कलर अदर देन थ्री प्राइमरी कलर्स, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ पे सेंसिटिव फिलामेंट्स यूज कर लिए ऑप्टिक नर्व के एज किसकी जगह, कॉर्न्स की जगह, ठीक। और इसलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया है क्या, यंग्स हेल्महोल्ट्ज थ्योरी, ठीक है। तो यंग ऊपर अपन ने देखा था थॉमस यंग थी और नीचे हेल्महोल्ट्ज थी, तो इन दोनों थ्योरी को मिला दिया गया, क्यों, क्योंकि दोनों थ्योरी ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी है, मतलब तीन कलर बताने के लिए, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, दोनों थ्योरी तीन कलर बता रही है, ठीक है, इसलिए इन दोनों थ्योरी को मिला के
अपन ने एक बना दी यह यंग हॉलमुड्स थ्योरी। ठीक है, आगे अब बात करते हैं अपन थर्ड, ठीक है, जो होती है अपनी क्या, ग्रेनेट डोमिनेटर मॉड्यूलेटर थ्योरी। ठीक, इसको समझते हैं। तो द गैंग्लियनिक सेल ऑफ द रेटिनास आर स्टिमुलेटेड बाय होल ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रा, होल ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रा। विजुअल स्पेक्ट्रा हम अपने क्या बेबगियर में कलर आते हैं जितने, वो सारे कलर इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर तक अपन ने क्या पढ़ा था, सिर्फ तीन कलर स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इसको ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी बोला। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जनरली आपको बता देता हूँ कि रेटिना होता है, तो रेटिना हम जनरली क्या होता है कि ए वाली अपनी जो लेयर है ए फेस करती है लेंस की साइड, और जो नीचे वाली फेस करती है ये आउटर साइड। ठीक है, मतलब जो लाइट की रेज आएंगी तो वो यहाँ से ऐसी कुछ आती हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या होते हैं यहाँ पे, कॉर्न सेल, रोड सेल्स। ठीक, फिर उसके बाद क्या आते हैं अपने बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके पास क्या दो पोल्स रहते हैं। उसके बाद आते हैं गैंग्लियोनिक सेल, जो गैंग्लियोनिक सेल का एक्सोन होते हैं वही कंबाइन करके फॉर्म करते हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर्स को। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन, ठीक, तो अपना स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। तो जो गैंग्लियोनिक सेल होते हैं, ठीक है, जो जिनके एक्सोन्स फर्दर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, तो गैंग्लियोनिक सेल स्टिमुलेट कर जाते हैं रेटिना के अंदर, किससे, होल स्पेक्ट्रा, होल विजुअल स्पेक्ट्रा से। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी कर्व। ठीक है, तो जो ग्रेनेट थे उनने क्लासिफाई किया था गैंग्लियनिक सेल्स को टू टाइप्स में, या फिर टू ग्रुप्स में। पहला ग्रुप होता है मॉड्यूलेटर ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है डोमिनेटर ग्रुप। ठीक, तो मॉड्यूलेटर ग्रुप क्या बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर सेंसेशन। जो मॉड्यूलेटर ग्रुप होता है वो डिफरेंट कलर की सेंसेशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर ऑफ ब्लू, ठीक है, मतलब जो ब्लू कलर को करेंगे, मॉड्यूलेटर ऑफ ग्रीन जो ग्रीन करेंगे, मॉड्यूलेटर ऑफ रेड येल्लो इनको करेंगे। ठीक है, इन लाइट अडॉप्टेड आई, मतलब जो आई है वो सिर्फ लाइट अडॉप्टेड होनी चाहिए, मतलब कि लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये वाला काम होगा मॉड्यूलेटर का। ठीक है, लेकिन डोमिनेटर क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब कि क्या, डोमिनेटर्स ऑफ कॉर्न एंड डोमिनेटर्स ऑफ रॉड। ठीक है, मतलब देखो जो कॉर्न होंगे वो किस में काम करेंगे, लाइट की कंडीशन में, और जो डोमिनेटर ऑफ रॉड्स रहेंगे वो कब करेंगे, डिम लाइट की कंडीशन। ठीक है, बोथ इन दी डार्क अडॉप्टेशन एंड लाइट अडॉप्टेड आई, मतलब कि अब देखो कॉर्न है तो लाइट अडॉप्ट में भी काम कर लेंगे डोमिनेटर्स, और अगर यहाँ पे रॉड्स हैं तो डिम लाइट में भी काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी ये थ्योरी हो गई। अब अपन बात करते हैं फोर्थ थ्योरी की। ठीक है, तो हार्डरिज पॉलीक्रोमेटिक थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस द ह्यूमन रेटिना हैज सेवन टाइप ऑफ रिसेप्टर। इनने बता दिया भाई सेवन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है तीन यूनिट में। ठीक, तीन यूनिट में इनको क्या कर दिया, डिवाइड। तो फर्स्ट यूनिट में क्या होता है, ट्राई कलर यूनिट होती है इसमें। ठीक, जो कि कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर फॉर दी ऑरेंज कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे और ब्लू कलर के होंगे। ठीक, सेकेंड यूनिट क्या बोलती है, डाई कलर यूनिट, इसमें रिसेप्टर्स फॉर दी येल्लो एंड दी ब्लू कलर। ठीक है, और जो येल्लो और ब्लू है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो भी डाई कलर यूनिट होती है एक इसके लिए होती है, रेड एंड ब्लू ग्रीन कलर के रिसेप्टर्स। ठीक है, जो इनको डिटरमाइन करेंगे मेनली। ठीक है, तो पहले क्या हो गए, तीन कलर हो गए फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, और दूसरी यूनिट में दो कलर के लिए रिसेप्टर हो गए, और तीसरी यूनिट में भी क्या, दो कलर के रिसेप्टर हो गए। तो मतलब तीन दो दो, मतलब सात रिसेप्टर्स यहाँ पे मेनली देखने को मिल गए। ठीक, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन फिफ्थ थ्योरी। ठीक है, फिफ्थ थ्योरी क्या बोलती है, हेरिंग थ्योरी ऑफ द अपोजिट कलर्स। ठीक है, तो हेरिंग थ्योरी क्या बोलती है, अपोजिट कलर्स के लिए। ठीक है, तो रेटिना हैज थ्री फोटोकेमिकल सब्सटेंस, जो रेटिना उसके पास तीन फोटोकेमिकल सब्सटेंस है, और ईच सब्सटेंस प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। पर्टिकुलर कलर के लिए वो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हर एक फोटोकेमिकल सब्सटेंस। कैसे करेगा, बाय ब्रेकडाउन से करेगा खुद की, या फिर उसकी रीसिंथेसिस से करेगा। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं अपन पहले सब्सटेंस, जो पहला सब्सटेंस होता है वो होता है क्या, वाइट एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो सेंसेशन आता है वाइट कलर का, और अगर इसकी सिंथेसिस होती है तो सेंसेशन आता है ब्लैक कलर का। ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं सेकंड सब्सटेंस की, जो कि एल्यू ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, एल्यू ब्लू सब्सटेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो अपने को देखने को मिलता है येल्लो कलर का सेंसेशन, और अगर इसकी सिंथेसिस होती है, रीसिंथेसाइज करता है, तो वहाँ पे ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड सब्सटेंस होता है रेड ग्रीन सब्सटेंस। ठीक, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो रेड कलर का देखेगा, और रीसिंथेसिस होगा तो ग्रीन कलर का सेंसेशन देगा। ठीक, सिंपल। यहाँ पे पांच थ्योरी अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कलर सेंसिटिव एरियाज इन दी रेटिना। रेटिना में जो कलर सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, और कौन से कलर के लिए होते हैं, और कैसे होते हैं, देखते हैं। पेरीपेरल पार्ट ऑफ द रेटिना इज डिवॉइड ऑफ कॉन्स, जो पेरीपेरल पार्ट रहता है रेटिना का, वहाँ पे जो रॉड अपने क्या कॉन्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, मतलब प्रेजेंट होते हैं पर काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनसेंसिटिविटी टू कलर
गिव सेंसिटिविटी ऑफ दी व्हाइट एंड ब्लैक एंड ग्रे ओनली। अब वहाँ पे कॉन्स नहीं है, पेरीफेरी पे कम कॉन्स है, तो इस वजह से वहाँ पे कलर ज़्यादा नहीं दिखते अपने को, सिर्फ जो पेरीफेरी रहती है रेटिना की वो सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक और ग्रे कलर को डिटरमाइन कर सकती है, उसको सेंसेशन दे सकती है। ठीक है, जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ दी रेटिना, ठीक है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है रेटिना का, वहाँ पे मिलता है क्या, फोबिया सेंट्रलिस। ठीक है, और फोबिया सेंट्रलिस में क्या होता है, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, तो मैक्यूला डेंसा में क्या होता है, मेनली कॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, और कॉन्स किसके लिए रहते हैं अपने, ज़्यादा वो कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे कलर अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, रेटिना एरिया सेंसिटिव टू द ब्लू लार्जेस्ट एंड द ग्रीन स्मॉलेस्ट, मतलब और जो बचा हुआ एरिया है, तो जो लार्जेस्ट एरिया होता है वो सेंसिटिव किसके लिए होता है, ब्लू कलर के लिए। ठीक है, और जो छोटा बहुत एरिया थोड़ा बहुत बचता है वो ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक, आगे बात करते हैं कंट्रास्ट इफेक्ट। ठीक है, तो कंट्रास्ट इफेक्ट में क्या होता है, दो टाइप के होंगे मेनली। ठीक है, कंट्रास्ट मतलब क्या, डिफरेंस। ठीक, तो कंट्रास्ट इफेक्ट दो तरीके के होंगे, पहला तो होता है साइमल्टेनियसली कंट्रास्ट, ठीक है, दूसरा होता है सक्सेसिव कंट्रास्ट। साइमल्टेनियस कंट्रास्ट में क्या होता है कि ऐसे दो कलर ले लिया अपन ने, ठीक है, एक ले लिया ब्लैक और एक ले लिया व्हाइट। ठीक है, एकदम से मैंने अपने आंखों के ऊपर डाला, ठीक है, तो मुझे ब्लैक अलग दिख रहा है, ठीक है, और व्हाइट अलग दिख रहा है। अगर मान के चलो कि मैंने ब्लैक देख लिया, आप कभी भी देखिए कि अगर आप ब्लैक कलर का कुछ चीज़ देख रहे हो, तो उसके बाद अगर आप व्हाइट देखोगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, जस्ट ब्लैक देखा व्हाइट देखा, तो आप उन दोनों को अच्छे से डिटरमाइन कर पाओगे। ठीक, आपने कभी भी देखा होगा व्हाइट एंड ब्लैक को एक साथ देखोगे तो अच्छे अलग से ही डिटर्मिनेशन हो जाते हैं। ऐसे मान के चलो कि कोई पर्सन है, नीचे ब्लैक कलर का पैंट पहना है और ऊपर व्हाइट कलर की शर्ट पहना है, तो आप उनको जल्दी से डिटरमाइन कर सकते हो। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि जो अपने आँख के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो एक कलर उसको क्या स्टिमुलेट करता है और दूसरा कलर उसको क्या, उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। तो इस वजह से क्या, वहाँ पे अपन दोनों कलर को ज़्यादा डिटरमाइन कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली यूज़ होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मेनली यहाँ पे यूज होता है। ठीक, देख लेते हैं अपना साइमल्टेनियस कंट्रास्ट द इफेक्ट। ठीक है, दैट इंटेंसीफाई द कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, मतलब वो इफेक्ट जो इंटेंसीफाई कर रहा है किसको, कॉन्ट्रास्ट या फिर डिफरेंस को, दो कलरों के बीच में। ठीक है, जब उनको प्लेस करते हैं एक एन अदर, ठीक है, प्लेस ईच एन अदर, ठीक है, अगेंस्ट। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सामने रखें या फिर सामने रखें। ठीक है, ऐसे। सेकेंड बात करते हैं सक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट की। ठीक, सक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, पहले एक था फिर उसके बाद दूसरा कलर आया। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ब्लू कलर फील्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द करंटली ब्लू कलर फील्ड। ठीक है, देयर इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ऐसे मान के चलिए कि पहले आपने एक कलर देख लिया, ठीक है, एक कलर देख लिया, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ। ठीक है, अगर वो कलर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होगा, जो आँख के अंदर जो सेंसिटिविटी रहती है वो इंक्रीज कर जाती है दूसरे कलर की वजह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपने देख लिया, ऐसे मान के चलो कि आपने ब्लैक कलर देख लिया। ठीक है, ब्लैक कलर देखने के बाद फिर आपको मैंने दिखाया क्या, व्हाइट कलर अलग से, तो व्हाइट कलर उस ब्लैक कलर की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसको क्या, इंटेंसीफाई कर देगा। ठीक है, अगर आप व्हाइट कलर देखने के बाद फिर से ब्लैक कलर देखोगे तो वो आपको ज़्यादा ब्लैक दिखेगा, ज़्यादा इंटेंसीफाई दिखेगा। क्यों, क्योंकि व्हाइट कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर है अपना किसका, ब्लैक का, जस्ट अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो इंटेंसीफाई कर देगा ब्लैक कलर की इंटेंसिटी को। ठीक, आगे बात करते हैं आफ्टर इमेज। आफ्टर इमेज का मतलब क्या होता है, द फिनोमेना इन विच द रेटिना ऑफ इमेज अकर्स इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ द लाइट स्टिमुलस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे मान के चलो कि एक फिनोमेना है जिसमें कि क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ इमेज, मतलब जो इमेज होती है वो रिटेन कर जाती है। ठीक है, ऐसे मान चलो कि आपने कुछ देखा एक सीन, ठीक है, एक सीन देखा उसके बाद जस्ट आप आँख बंद कर लो, तो आपकी कुछ देर तक अंदर ऐसा लगेगा कि इमेज यार आँख के अंदर बनी हुई है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं आफ्टर इमेज, देखने के बाद आपकी आँख के अंदर इमेज बनी रहती है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव आफ्टर इमेज और दूसरी होती है नेगेटिव आफ्टर इमेज। पॉजिटिव आफ्टर इमेज क्या बोलती है, एंड दी आफ्टर इमेज, ठीक है, परसिस्ट आफ्टर दी क्लोजर ऑफ आइज और टर्निंग टुवर्ड्स इन द डार्क बैकग्राउंड। मतलब आपने इमेज देखी आंख बंद की और उसके बाद आप डार्क बैकग्राउंड साइड टर्न कर गए तो भी वो आपको इमेज दिखेगी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव आफ्टर इमेज। नेगेटिव आफ्टर इमेज क्या बोलती है, एन आफ्टर इमेज दैट परसिस्ट बाइल दी टर्निंग टुवर्ड्स अ ब्राइट लाइट। आपने देखा उसके बाद आप ब्राइट लाइट की ओर क्या मुड़ गए हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नेगेटिव आफ्टर इमेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, कलर विजन सारा का सारा टॉपिक पढ़ा दिया बेटा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, मे बी इस साल भी आ जाया है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल तो ये नहीं आया है, इस साल आने के इसके चांसेस हैं, 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, जल्दी मैं आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा स्पेशल सेंस के। ठीक है, आज या कल तक मतलब आपको नोट्स मिल जाएंगे मेनली। ठीक है,
बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।